हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट और कुरकुरे शक्करपारे की रेसिपी, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। ये शक्करपारे आपके फटेंगे नहीं और एकदम खस्ता बनेंगे। कुछ लोगों को शक्करपारे बनाने में दिक्कत आती है, कभी कड़क रह जाते हैं तो कभी बिखर जाते हैं, तो आज मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कप मैदा लिया है मैंने, इसे हम छान लेंगे। इसमें आधा कप सूजी डालेंगे। सूजी आप कोई सी भी डाल सकते हैं, बारीक या मोटी, उससे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक बड़ा चम्मच खसखस डालेंगे। आप नाश्ते की चम्मच से डाल रहे हैं तो दो चम्मच डालें। मोन के लिए 1/4 कप घी डालेंगे और एक चुटकी हम इसमें सोडा डालेंगे। बहुत ज़्यादा सोडा नहीं डालना है। आधा कप शक्कर डालेंगे। शक्कर को मैंने मिक्सर में पीस लिया था। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखिए, इसमें मोन इतना होना चाहिए कि मुठिया आसानी से बन जाए। अब हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे। तो ये मैंने आधा कप पानी लिया है, लेकिन हमें इसमें 2 से 3 चम्मच ही पानी लगेगा। डो को हमें न ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और न ज़्यादा हार्ड। ये देखिए, डो मैंने तैयार कर लिया है और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच ही पानी डाला है। डो को हम प्लेट से ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आधा घंटा हो गया है और देखिए, डो थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो इसे हम सॉफ्ट करेंगे। तो 1 चम्मच के करीब ही हम इसमें पानी डालेंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। इसे हम एक जैसा कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से डो सॉफ्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके एक बॉल बना लेंगे और इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। मतलब हम इसकी 2 बॉल बना लेंगे। इसकी हम 2 बॉल बना लेंगे। ये देखिए, मैंने 2 बॉल बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रोलर की मदद से थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। इसके जो साइड के कॉर्नर है, उसे इस तरह से हाथ से हल्का सा दबा देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हम इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे। अब हम चाकू से जो इसके साइड के कॉर्नर्स हैं, वो इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसे इतना मोटा रखा है, इससे पतला आपको नहीं करना है। शक्करपारे को हम चौकोर शेप में काटेंगे, तो इस तरह से हम एक जैसी स्ट्रिप काट लेंगे। अब देखिए, हमें इसे चौकोर शेप में काटना है, तो इस तरह से हम इसे एकदम चौकोर शेप में काट लेंगे। ये देखिए, शक्करपारे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। शक्करपारे को हमें अभी सुखाना है, तो उसके लिए मैं एक प्लेट में रख रही हूँ और इसे हम पंखे के नीचे रखकर सुखा लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरा भी बेलकर और इसके भी शक्करपारे काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी शक्करपारे प्लेट में रखे हैं और इसे हम पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि ये हल्के से सूख जाए। कढ़ाई में तेल डालेंगे
और तेल को हमें मीडियम गरम करना है। ये देखिए शक्करपारे हल्के से सूख गए हैं, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस हल्के से ही सुखाना है। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा आटा निकला था उसकी मैंने इस तरह से पपड़ियाँ बना ली है मोटी। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो एक पहले हम डालकर देखते हैं और देखिए इसमें बुलबुले आने लग गए हैं, मतलब तेल थोड़ा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें सभी शक्करपारे डाल देंगे। शक्करपारे आपको एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े ही हम फ्राई करेंगे। अगर आप इसमें शक्करपारे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो शक्करपारे टूट जाएंगे। सभी शक्करपारे को गोल्डन ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। ये देखिए मैंने लो फ्लेम पर इसे फ्राई करा है और इसका कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल एक जैसा। बस हमें इतना ही फ्राई करना है, तो अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक शक्करपारा तोड़ के दिखाती हूँ कि शक्करपारे कैसे बने हैं। तो देखिए ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट, और ये देखिए हाथ से तोड़ने पर कितने आसानी से ये टूट रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस मेथड से शक्करपारे बनाएंगे तो आपके शक्करपारे एकदम परफेक्ट बनेंगे।